हाय एवरीवन, वेलकम टू बलराम फोटोग्राफी। दोस्तों आज मेरे पास एक बहुत ही खास मोबाइल लेंस है रिव्यू के लिए। ये लेंस हर एक सिनेमाटोग्राफर के पास होता है और सिनेमाटोग्राफी में इस लेंस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये है एक एनामॉर्फिक लेंस और मेरे पास जो लेंस है ये है एडकॉम का 1.33x एनामॉर्फिक लेंस। तो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर इस प्रीमियम सा केस में हमें अपना लेंस मिल जाता है जो कि स्क्वायर शेप में है और कंप्लीटली मेटल फ्रेमिंग से बना है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज लेंस का क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इसका। और ये लेंस आता है इस यूनिवर्सल क्लिप के साथ, यानी कि लेंस को आप लगभग किसी भी स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों एनामॉर्फिक लेंस का इस्तेमाल किया जाता है सिनेमेटिक वीडियोस कैप्चर करने के लिए और इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्मार्टफोन से ही सिनेमेटिक वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। हम जो मूवी, वेब सीरीज, एल्बम, सॉन्ग्स या फिर जो सिनेमेटिक वीडियोस देखते हैं वो सभी वीडियोस 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर किया जाता है। तो इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्मार्टफोन से 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में वीडियो कैप्चर कर सकते हो। तो इस लेंस को अपने स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप अपने लेंस को अपने स्मार्टफोन के ऊपर क्लिप कर दीजिए। आपके स्मार्टफोन का जो मेन प्राइमरी कैमरा है उसके ऊपर आपको क्लिप करना है, वाइड एंगल या फिर टेलीफोटो जो लेंस है उसके ऊपर क्लिप नहीं करना है। मेन प्राइमरी कैमरे के ऊपर एकदम बीचों बीच आप इसको क्लिप कर दीजिए और उसके बाद अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो आपका जो पिक्चर है वो स्ट्रेच्ड आएगा ऊपर की तरफ या फिर साइड में स्ट्रेच आएगा। तो आपको करना क्या है कि आपका जो लेंस है उसको घुमाते हुए आपका जो पिक्चर है उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच्ड करना है, साइड में नहीं करना है, ऊपर की तरफ करना है। अब उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा जिसका नाम है फिल्मिक प्रो और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में आपको पेड वर्जन मिलेगा, तो फ्री वर्जन आप गूगल से कहीं पर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पर से आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए एंड एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहां पर आपको हार्डवेयर नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा एंड उसके अंदर आपको एनामॉर्फिक लेंस 1.33x का ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसको आप सिंपली ऑन कर देना और उसको आप जैसे ही ऑन कर दोगे आपका जो पिक्चर स्ट्रेच हो रहा था वो स्क्वीज हो जाएगा और आपको नॉर्मल प्रीव्यू दिखाई देगा एंड आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में आ जाएगा और अभी आप अपने स्मार्टफोन से सिनेमेटिक वीडियोस कैप्चर कर पाओगे। उसके साथ ही इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपने वीडियो में कुछ इस तरीके के ब्लू लाइटिंग फ्लेयर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो जैसा आप वेब सीरीज या फिर एल्बम सॉन्ग्स में देखते हो, तो कुछ इस तरीके के इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपके फ्रेम के सामने की तरफ कोई भी एक पावरफुल लाइट सोर्स को रखना है और उस लाइट सोर्स से आपको इस तरीके का लाइटिंग इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मैं अपने फोन के सामने जैसे अपनी टॉर्च लाइट को पकड़ रहा हूं तो आप देख सकते हो यहां पर लाइटिंग फ्लेयर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, तो अभी इस लेंस को लेकर बाहर चलते हैं और कुछ सिनेमेटिक वीडियोस कैप्चर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस लेंस से आप किस तरह की वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। अब दोस्तों मेरे ओपिनियन से ये एक बहुत ही हाई और प्रीमियम क्वालिटी का लेंस है। अगर आप अपने स्मार्टफोन से सिनेमेटिक या फिर ट्रैवल वीडियोस कैप्चर करते हो तो डेफिनेटली आप इस लेंस को परचेस कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान देना, ये लेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इस लेंस को परचेस कर सकते हो। और हाँ, ये लेंस एक्सपेंसिव है बट वन ऑफ द चीपेस्ट एनामॉर्फिक लेंस है स्मार्टफोन के लिए। अगर आप कोई दूसरे अदर ब्रांड के एनामॉर्फिक लेंस परचेस करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन जो कि आप परचेस कर सकते हो एंड क्वालिटी भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो। बाकी आप अपना थॉट मेरे साथ शेयर करिए इस लेंस के बारे में, आप जो भी सोचते हो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और इस तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।